नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अलीगढ़ में स्कूल संचालक पर लापरवाही करने का मामला सामने आया। दरअसल स्कूल संचालक फीस में बढ़ोतरी तो करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर स्कूली बच्चों से सिर्फ खिलवाड़ किया जाता है। बता दें कि बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने के लिए जर्जर वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। श्री कमलेश कुमार और सहायक सेवा की परियोजना अधिकारी प्रवर्तक श्री अमिताभ चतुर्वेदी, इनकी संयुक्त टीम सड़क पर चलने वाले सभी स्कूल बसों की जांच भी कर रही है, और यदि किसी बस में कोई कमी पाई जाती तो उसके विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और निराकरण कराया जा रहा है। औरैया में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने महिला के गले से चेन लूट ली और फरार हो गए। वहीं सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद भी आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। दोनों बाइक सवारों के सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस ने पकड़ने में नाकाम साबित है। कुछ नहीं, उधर से आ रहे हैं क्या, उधर से दो मोटरसाइकिल से, और मैं उधर से आई हूँ, उधर से मोटरसाइकिल से दो थी। अच्छा। पैर जैसे ही रखने को अंदर, ऐसे ही नहीं गले में वो जिंदगी में हाथ डाल दी थे। अच्छा, कितने लोग थे बाइक पे? दो। अच्छा, मुंह भी बांधे थे? नहीं, मुंह नहीं बांधे। तो पुलिस को सूचना दी थी आपने? जी। पुलिस मौके पर आई थी? जी, मौके। अच्छा, आए थे। और क्या नाम है, कैमरे वगैरह भी खंगाले हैं? कैमरे चेक कराए थे। लक्सर में खानपुर के विधायक उमेश शर्मा क्षेत्र के करणपुर गांव पहुंचकर बंद पड़े सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर विधायक ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर हो रहे जलभराव को देखा और कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण किया जाएगा। दरअसल जलभराव से स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। देखिए, सबसे पहले तो ये पूरे गाँव के लिए शर्मनाक है। मैं इसे एक व्यक्ति का दोषी नहीं ठहराता, ये पूरे गांव की गलती है। एक स्कूल की, बच्चों के पढ़ने के लिए एक अच्छी, लोगों को स्कूल नहीं मिलते गांव में। यहाँ 8-10 कमरों का इतना बड़ा स्कूल बना हुआ है खेलने की, उसमें बीच में जगह है, पीछे भी जगह है। उस स्कूल का रास्ता मिट्टी घरों के आगे डाल डाल के बंद कर दिया, बच्चों को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ ना आए ना पढ़ें, और मजबूर होकर वो बच्चे कहीं दो कमरों में पढ़ते हैं। गाँव करणपुर है जी, और यहाँ जल निकासी की बहुत समस्या है, और स्कूल के जो बराबर में एक नाली बनी हुई थी, कुछ जो असामाजिक तत्व है उनके द्वारा वो नाली आंट दी गई, जिसकी वजह से पानी जमा हो जाता है, और स्कूल के जो बच्चे जाते हैं उन्हें भी बड़ी परेशानी होती है, और ये काफ़ी दिनों से समस्या है। शासन प्रशासन को भी कई बार कराया, डीएम साहब को भी, एसडीएम साहब को भी। सरोवर नगरी नैनीताल के हाईकोर्ट अधिवक्ता नितिन कार्की ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। दरअसल शत्रु संपत्ति पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने के खिलाफ पीएम को पत्र लिखकर इसे खाली करवाने का आग्रह किया गया। जैसा कि मेरे द्वारा कई बार बताया गया है और कई बार कहा गया है कि अवैध कब्जे नैनीताल में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी क्रम में नैनीताल स्थित मेट्रोपोल, जो कि शत्रु संपत्ति है, जिसका सीधे सीधे भारत सरकार के पास अधिकार है, उसको आज आप देख सकते हैं, इस शत्रु संपत्ति में भी समुदाय विशेष ने एक तरीके से पूरा कब्जा कर लिया है, और लगातार ही वो बढ़ता जा रहा है। और इसी निमित्त मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि इस प्रकार के अवैध कब्जे, और जो एक संदेश नैनीताल में पूरे देश विदेश से पर्यटक आते हैं, नैनीताल के माध्यम से जो संदेश एक समुदाय विशेष देना चाहता है कि इस पूरे नैनीताल पर हम ही लोग काबिज होंगे, उसको रोकने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी से की।
शाहजहांपुर में एक साल पहले ब्याज लेने से प्रताड़ित होकर दवा व्यापारी ने परिवार समेत खुदकुशी कर ली थी। अब इस मामले में दो रसूखदारों की संपत्ति कुर्की गई, जहां कुर्की की कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी और साथ ही ढोल बजाने वाले भी पहुंचे। बता दें कि 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये आपको याद होगा, गत वर्ष 7 जून को अखिलेश गुप्ता नामक व्यक्ति का पूरा परिवार, वो उनकी पत्नी और दोनों बच्चों ने सूदखोरों के दबाव और तनाव के कारण, उनके उत्पीड़न के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस सिलसिले में अभियोग पंजीकृत किया गया था और जो अभियुक्त थे उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। उसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जिलाधिकारी शाहजहांपुर को पूरी उनके द्वारा जो अर्जित की गई संपत्ति का ब्यौरा दिया गया, जिसके आधार पर उनके द्वारा कुर्की के आदेश दिए गए। इस आधार पर उनकी परिसंपत्तियां जो उनके द्वारा ऐसे अपराध के से अर्जित की गई, उनको अटैच किया गया, कुर्क किया गया है। शाहजहांपुर में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ दिख रहा है, जहां शराब माफिया गिरोह के 5 गैंगस्टर बदमाशों ने अपराध न करने की पुलिस के सामने शपथ ली। दरअसल अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला खुटार थाना क्षेत्र का है। सिद्धार्थनगर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दादी और पिता ने मिलकर 14 माह के मासूम की पीट पीट कर हत्या कर दी। वही हत्या की वजह मृतक मासूम की मां शीला से आपसी कलह बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, ग्राम नहरी है, थाना सोहरतगढ़ में। इसमें पुलिस को जानकारी दी गई है कि एक लगभग 1.5 साल के बच्चे को उसके पिता ने और उसकी दादी ने ज़मीन पर पटक कर उसकी हत्या कर दी है। इसी के घटनास्थल पर पुलिस की टीम आई है और शव को कब्जे में ले लिया गया है। गांव वालों के बयान के अनुसार आज इनका सास बहू का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो सास ने और उसके बेटे ने, यानी बच्चे के पिता ने, बच्चे को पटक के ज़मीन पर उसकी हत्या कर दी है। लगभग जो मृतक है उसकी आयु 1.5 साल है, राम कुमार उसका नाम है। मेरे बच्चों का मैं नहीं रही थी, घर में सुता के चली गई थी। तब ऐसे रोज रही थी, तुम ना ही कुछ कहती, अब पता नहीं कल झगड़ा करी थी, तो इसलिए हम चली गई। पर लड़का के मेरे दोनों दिल पटक के मारे हैं मेरे सामने। मैं आई तो देखी लाके फिर पटक दिया मेरे सामने। हरिद्वार में सर्कुल क्षेत्र के रवाली महदूद में मेलों के प्रोग्राम में डिस्को डांस जुए का कारोबार धड़ल से चल रहा है। वहीं डिस्को डांस जुआ खेलने वाले कर्मचारी ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इतना ही नहीं, मेले की परमिशन को लेकर डिस्को डांस जुआ खिलाए जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने इस बार अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खर ने अध्यापक की भूमिका निभाई, जहां शहर के ड्रम इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युत योजना के अंतर्गत संचालित कक्षाओं में पढ़ाने डीएम पुलकित खर पहुंचे। सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को डीएम ने पढ़ाया। दरअसल इस योजना की शुरुआत के बाद क्लास का निरीक्षण करने डीएम पुलकित खर पहुंचे थे। माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत हमारे जनपद पीलीभीत में कई अधिकारियों ने और कई शिक्षकों ने एक पैनल गठित करा दिया है, और इस पैनल के माध्यम से नियमित कक्षाएं सभी छात्र छात्राओं के लिए जो कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दी जा रही है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में निबंध का जो पेपर होता है और जनरल स्टडीज 4 का जो पेपर होता है, इन दो विषयों का, जिनके कुल मिला के 500 अंक होते हैं, उसको लेके मेरे द्वारा क्लासेस आज लेनी शुरू करी गई और मेरे द्वारा इस तरह से यहाँ पे क्लास ली जाएगी। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में अज्ञात लोगों ने सोते समय हमला कर धारदार हथियार से 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें प्रयागराज एक बार फिर दहल उठा। वही घटना को अंजाम देने के बाद घर में अपराधियों ने आग लगा दी। इस घटना की सूचना गांव वालों को हुई तो सनसनी फैल गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।
ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में। ये सूचना पर तत्काल पुलिस टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहां पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार, राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है, पोती जिसको कहें, वो 5 साल की है, वो जीवित। सहारनपुर में आपसी कहासुनी में 2 पक्षों में जमकर मारपिटाई हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हमला करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। अलीगढ़ में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के भड़काऊ बयान दिया है, जिसको लेकर हिंदू महासभा ने थाना गांधी पार्क में उनके खिलाफ तहरीर दी। साथ ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। आज हम गांधी पार्क थाने में आए हैं। तौकीर रजा नाम का ये जो एक आतंकवादी ही कहूँगी, कल हमने उसका वीडियो देखा जिसमें वो हमारे प्रधानमंत्री जी को जो है चेतावनी दे रहा है। जनवरी में भी उसने कार्यक्रम किया था और 20,000 लोगों को इकट्ठा करके शुक्रवार के दिन उसने ये बोला था कि हिंदुओं को छुपने की जगह नहीं मिलेगी अगर उसने अपने युवकों को, मुसलमान युवकों को छोड़ दिया तो। और कल फिर उसने जो है दिल्ली के केस को लेकर के कानून व्यवस्था पर जो अविश्वास जताया है, हमारे संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से चेतावनी दी है और बंटवारे की, ऐसे में उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बिजनौर में पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने दौरा किया, जहां कोऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन ने कार्यक्रम को आयोजित किया था। बता दें कि यह कार्यक्रम बिजनौर के निजी बैंकट हॉल में किया गया। वहीं बैंकट हॉल में यहां पर तमाम तैयारियां की गई थी। कैबिनेट मंत्री को दुर्गा माँ की मूर्ति देकर सम्मानित भी किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को, जो कैबिनेट मंत्री हैं 18, उन्हें 18 मंडलों में 72 घंटे का प्रवास करके नीचे तक सारे विकास के कामों को सबको समीक्षा करने के लिए कहा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों को कार्य आवंटित कर देंगे, जो जो मंडल देंगे उसी आधार पर हम लोग इस क्षेत्र के, अपने क्षेत्र के विकास की योजना की समीक्षा करेंगे, जो जो सरकार के काम है उनकी समीक्षा करेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने नेतृत्व का। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।